सो अपना आज का टॉपिक है सिलेंडर एंड वी आर गोइंग टू डू टू पार्ट्स टुडे, एवरीथिंग अबाउट सिलेंडर. सिलेंडर का अच्छा, दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर. व्हाई इज इट कॉल्ड राइट सर्कुलर? इट्स एक्सिस. एक्सिस कहां पे होता है पता है? एक्सिस इज दिस. दिस इज द इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू the circular part, the centers of all the circular parts. It is perpendicular to the horizontal. इसको इसलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं. क्या ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है? नहीं है. तो ऐसे केसेस हमें देखने भी नहीं है. वी आर कंसर्न विद ओनली दिस टाइप ऑफ सिलेंडर. ठीक है. सिलेंडर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक तो होती है हाइट उसकी, दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? रेडियस ऑफ द बेस और द टॉप. सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग. बेस और टॉप दोनों सर्कुलर शेप में होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, दोनों की रेडियाई सेम होती है, एरिया भी सेम होता है. सिलेंडर में हमें क्या क्या चीजें पता है? CSA, CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया. फॉर्मूला क्या है? 2πRH. दूसरी चीज है टोटल सरफेस एरिया. फॉर्मूला क्या है? 2πR ब्रैकेट R प्लस H. फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, फॉर्मूला लर्न कर लेना है आपको. कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये दो फॉर्मूले थे सरफेस एरिया रिलेटेड. एक फॉर्मूला है वॉल्यूम रिलेटेड. वॉल्यूम क्या है इसका? पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. सो ये एक सिलेंडर के सारे फॉर्मूला हो गए. इसमें ये तुम्हारे फॉर्मूला है. एक हॉलो सिलेंडर भी होता है. हॉलो सिलेंडर में जनरली यू गेट अ सर्कल लाइक दिस एंड देर इज अनदर सर्कल विच इज आउटसाइड इट एंड इट इज बेसिकली लाइक दिस. मैंने बहुत गंदा फिगर बनाया बट स्टिल भी समझ में तो आ ही जाता है. ठीक है. कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ हॉलो सिलेंडर लाइक यू हैव सीन इन योर डे टू डे लाइफ? हॉलो सिलेंडर पाइप. अ पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉलो सिलेंडर. उसमें भी हाइट होती है लेकिन उसमें रेडियस दो होती है, एक इंटरनल रेडियस और एक एक्सटर्नल रेडियस, है ना? तो इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर, ऐसे दो रेडियाई होगी. ठीक है. एक तो बेस का एरिया होगा, बेस और टॉप का एरिया, वो कितना है? पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ द रिंग. रिंग बोलते हैं ना, रिंग. ये रिंग जैसा दिखता है. अगर इसको ऊपर से देखोगे तो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक वन रिंग. वो एरिया ऑफ रिंग कितना है? पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. फिर है कर्व्ड सरफेस एरिया. तो ये भी दो होते हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2π कैपिटल आर एच एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2π स्मॉल आर एच. ये दोनों का सम है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर. एंड देन टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम लोग? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वो जो एरिया ऑफ द टॉप एंड द बेस, दोनों को ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे. तो वी गेट दिस. ये भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है इसको. अच्छा, इसका वॉल्यूम भी होता है बट जनरली जब हॉलो सिलेंडर आता है ना, देन वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ मटीरियल. वॉल्यूम ऑफ मटीरियल. ठीक है, एक पाइप है, उसमें कितना मटीरियल यूज हुआ है, स्टील का या मेटल का, वो निकालने के लिए व्हाट डू वी डू? वॉल्यूम ऑफ मटीरियल ढूंढते हैं. हाउ डू वी फाइंड इट? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. इनर वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं बिकॉज इनर तो कुछ खाली है, एयर है, उसके वॉल्यूम को हटा देते हैं. तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ मटीरियल जो आएगा हॉलो सिलेंडर में, हम करेंगे वो. ठीक है. सो लेट स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस. जस्ट अ मोमेंट. यस. तो एज यू नो द फॉर्मूला, इट ऑल नाउ डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू सॉल्व इट. जहां पे ऐसा लगेगा कि मुझे तुम्हें बताना है, हेल्प करनी है, मैं बताऊंगा. ये वाला सिंपल है. फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सर्फेस एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस एज 14 सेंटीमीटर आर एंड हाइट 25. यू हैव टू फाइंड CSA एंड TSA. यू नो द फॉर्मूला, अप्लाई इट, गेट द आंसर एंड लेट मी नो. कम ऑन. जनरली हाँ, अभी और एक क्वेश्चन है बिकॉज पाई यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है. तो पाई की वैल्यू अगर तुम्हें नहीं दी है, यू कैन टेक इट एट एज एनी थिंग 22/7 और 3.14. बट इसमें भी एक ट्रिक है.
लुक एट योर रेडियस. इफ द रेडियस इज अ मल्टीपल ऑफ 7, देन यू टेक, यू बेटर टेक द वैल्यू ऑफ पाई एस 22/7. इफ नॉट देन यू कैन टेक एनीथिंग. जरूरी नहीं कि यही लेना है या यही लेना है. बट इफ इट इज गिवन दैट टेक पाई एस दिस, देन टेक दैट. फेयर? स्टार्ट. When you get the answer, let me. Don't prompt, just raise your hand. Let two, three people get, then we'll compare, okay, and we'll check. Shall we ask Arya? What's your answer? Sir, CA is 2200 what? Centimeters square. Alright, anybody? 2200, you confirm, okay, 2-3 people are confirming. Those who have not got, please do it, continue doing it. And TSA? Sir, I think it's my mistake. 3-4-3-2. Have confidence in yourself. You got the correct thing. Let's check now. जिसको नहीं आया कंटिन्यू डूइंग इट. ओके, नो मैटर वी आर गोइंग अहेड और वॉट एवर, यू कंटिन्यू डूइंग इट, विल नॉट गो अहेड. वी आर जस्ट चेकिंग द आंसर. ओके, सो सबका गलत है. पहले तो फॉर्मूला चेक करो, उनकी भी मिस्टेक हो सकती है. वेरी गुड. सर 14 प्लस 25 39 होना चाहिए. 39 एंड फाइनल आंसर क्या है? ऑनलाइन कोई कंफर्म कर सकता है? 3-4-3-2 सही है. यस सर, यस सर, यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. Shall we? Did you get CSA? You got TSA already. Chalo, quick. Yes. Yeah, of course. Panchayat. Mere naam ke niche panchayat. Chalo, theek hai. Let's go ahead. Okay, इसमें शायद
थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा डिस्कशन में. द रेशियो बिटवीन द कर्व सर्फेस एरिया एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:3. सो कर्व सर्फेस एरिया इज टू टोटल सर्फेस एरिया इज इक्वल टू 1:3. ये गिवन है. ठीक है. फाइंड द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. सो वेन एवर दे से लेंथ ऑफ द सिलेंडर दैट मीन हाइट ऑफ द सिलेंडर. डोंट गेट कंफ्यूज. दिस इज वेरी इजी. सी एस ए is curved surface area which is 2 pi r h and total surface area is 2 pi r bracket r plus h. Please copy mat karo, yahan pe dekho pehle. Theek hai, hame r aur h ka ratio dhoondna hai ya h aur r ka dhoondna hai, whatever it is. Theek hai, sabse pehle what I'm going to do is I'm going to cut 2 pi r upar and niche. तो नीचे क्या ऊपर क्या बचेगा h और नीचे r प्लस h इज इक्वल टू 1/3. अब रुको. हो सकता है तुम्हारे पास टेक्निक है, मेरी भी देख लो. अगर तुम्हारे पास है तुम्हारे माइंड में रखो और कंपेयर कर लेना. ठीक है. क्योंकि बहुत लोग इसमें कुछ अलग अलग चीजें करते हैं, मैं कुछ अलग कर रहा हूं. देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं. ठीक है. फिर मैं इसको ऐसे करूंगा. क्या किया मैंने, स्प्लिट कर दिया. कर सकता हूं ना ऐसे, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है आर और एच का, तो उसको अलग अलग करके लिख सकता हूं. अच्छा, फिर ये एच को कट कर सकता हूं, इसकी जगह वन आ जाएगा. सो आर बाय एच कितना हो जाएगा, 3/1 - 1. सो आर बाय एच विल बी इक्वल टू 2/1. सही है ना. अच्छा, सो एच बाय आर कितना हो जाएगा. So, H is 2R is equal to 1:2. कुछ लोग बोलेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर. मेरे लिए ये बेटर है. आई डोंट थिंक सो, दिस इज इजी है सर. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर तो इजी है. बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर. सो आई न्यू दैट यू हैड समथिंग इन योर माइंड. आई टोल्ड यू व्हाट आई हैड इन माय माइंड. So you have two methods now. ठीक है. शैल वी. द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3. मतलब दो सिलेंडर है अलग अलग, उनकी रेडियाई का रेशियो दिया है और हाइट्स का रेशियो दिया है. शो दैट द रेशियो ऑफ देयर कर्व सर्फेसेस इज 5:6. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बिकॉज इट्स नॉट फॉर्मूला बेस्ड, इट्स अ मेथड बेस्ड क्वेश्चन. ओके. लेट द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स बी R1 is to R2 is equal to 2
एस टू थ्री, आर वन एस टू आर टू ले लिया मैंने. द हाइट्स ऑफ टू सिलेंडर्स बी एच वन इज टू एच टू इज इक्वल टू फाइव इज टू फोर. ठीक है, हाइट्स और रेडियाई का रेशियो ले लिया. अच्छा, देयरफॉर आर वन इज इक्वल टू टू एक्स एंड आर टू इज इक्वल टू थ्री एक्स. ये इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो ऑल्सो एच वन इज इक्वल टू फाइव वाई एंड एच टू इज इक्वल टू फोर वाई. अगर रेडियस को एक्स के टर्म्स में ले रहे हो, एक्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में ले रहे हो, तो हाइट को वाई के मल्टीपल के फॉर्म में लो, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, दोनों एक्स के टर्म्स में नहीं हो सकता. ठीक है, ये लिखना भी जरूरी है. इसके बाद हमें क्या ढूंढना है, रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया को प्रूव करना है 5 is to 6. Therefore, CSA1 upon CSA2, curved surface area of the first cylinder by the curved surface area of second cylinder is 2 pi R1H1 upon 2 pi R2H2. सही है, 2 pi straight away gets cut. R1H1, that is 2x times H1 कितना है 5y by R2H2 3x times 4y. YY cuts, XX cuts, 2 1s are, 2 2s are, gives you 5 is to 6. Proved. It matters how you write. Your steps should not be shortcut. ठीक है? You have to mention everything properly and then show or prove whatever or find whatever has to be done. Cool. So, what did you do today? Physics, current electricity. Mm-hmm. Okay. I didn't get into the six questions. Mm-hmm. You read the chapter. Okay. Any numericals you solved? You'll do it. Okay. All right. No problem. Cool. So, tomorrow which exam you have here? You're going to appear? Okay. See you tomorrow. Bye. Shall we? An iron pipe, 20 centimeter long, has exterior radius equal to 25 centimeter. What is this exterior? Means it's a hollow cylinder. ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या हो गया, और कैपिटल आर 25 सेंटीमीटर, सही है ना. इफ 1 सेंटीमीटर इज द थिकनेस, हॉलो सिलेंडर में थिकनेस क्या होती है, आर माइनस आर, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ये कितना है 1 सेंटीमीटर. Find the whole surface area of the pipe. What we have to find? Total surface area. Yeah, yes, yes, yes. You are right. The small radius, the inner radius will be 25 minus 1, which is 24 centimeter. जहाँ पे काम आएगा देख लेंगे. So यहाँ पे एक चीज नोट करो. मुझे, I don't want you to blindly apply the formula. I want you to work on the formula. वर्क ऑन द फॉर्मूला मीन्स मैं चाहता हूं कि तुम रट्टा ना मारो, मैं चाहता हूं कि तुम इतना मेमोरी पे मत जोर डालो, बनाओ फॉर्मूला खुद का बनाओ ना, और फिर उसको सिंप्लीफाई करते करते तुम्हारे कैलकुलेशन भी सिंप्लीफाई करो. कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ. सिचुएशन हमारे सामने है, हमें पता है क्या करना है, टोटल सर्फेस एरिया ढूंढना है, बट हाउ. सो टोटल सर्फेस एरिया इज इनर सी एस ए
प्लस आउटर CSA प्लस टू टाइम्स एरिया ऑफ बेस, इज इट करेक्ट? अच्छा, इनर CSA क्या है? 2 पाई स्मॉल आर एच, आउटर CSA 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस टू टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इज इट करेक्ट? अब मैं क्या करूंगा पता है, ये दोनों से 2 पाई एच को बाहर निकालता हूं मैं, तो अंदर क्या बचेगा? आर प्लस आर, यू एग्री विथ मी? ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं पता है, फॉर्मूला पे काम कर रहा हूं, मैं वैल्यू नहीं डाल रहा हूं। कितनी बार पाई डालूंगा? जितना पाई डालूंगा उतनी मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आई एम मेकिंग द फॉर्मूला शॉर्ट फर्स्ट बिफोर पुटिंग द वैल्यूज, दिस इज वॉट यू नीड टू लर्न, दिस इज अ टेक्निक। यहां पे मैं लिखूंगा 2 पाई, नाउ पे अटेंशन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आई एम राइटिंग एज आर प्लस आर, आर माइनस आर, इज इट करेक्ट? इज दिस टेक्निक गोइंग टू वर्क? ऑफ कोर्स इट इज। अभी दोनों से क्या करूंगा मैं पता है, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन निकाल लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा? एच बचेगा यहां पे फर्स्ट टर्म में, सही है ना? ये फर्स्ट टर्म है तुम्हारी, यहां से 2 पाई गया बाहर, आर प्लस आर बाहर गया, क्या बचेगा? एच, ठीक है, प्लस 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 प्लस, 2 पाई बाहर गया, आर प्लस आर बाहर गया, क्या बचेगा अंदर? इसको भी हम सिंपल बना सकते हैं, देखो 2 इंटू पाई क्या है, 22/7 इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, वी हैव द वैल्यूज 24 प्लस 25 लिखता हूं अभी, टाइम्स मतलब टाइम्स एच, एच कितना है 20, प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना है 1, इसको 1 लिख दिया, हो गया इजी। ये नहीं करते तो इतनी बार तुम्हें पूरा वैल्यूज डाल के फिर और कॉम्प्लिकेट होता तुम्हारे दिमाग में। अच्छा, इसको हम लोग करते हैं 2 इंटू 22/7 टाइम्स 49 टाइम्स 21, सही है? सो व्हाट यू डू इज जस्ट कट दिस एंड मल्टीप्लाई, सो व्हाट यू मल्टीप्लाई, 44 टाइम्स दिस विल बी 147, है ना? बस इसको मल्टीप्लाई करो, यू गेट योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। It's only one multiplication in the end. You saved your time. Remember this technique. What is the answer? Sir, 6468 centimeter square. ठीक है, we'll check. Let everyone get, then we'll check. Sir, 6468 centimeter square. Okay. We will check. तुम्हारा एक दोस्त आया था, ध्यान नाम है उसका, हाउ इज ही? गुड बॉय, जस्ट लाइक यू? नो, यू आर अ गुड बॉय। आई ऑलवेज टेल एवरीवन हु टॉक अबाउट यू, यू आर अ गुड बॉय। अभी भी गेम खेलता है तू या कम कर दिया? और वीडियो बनाता है?
अच्छा। शैल वी चेक द आंसर? यहां भी कुछ गलती की क्या उन्होंने? एक मिनट, एक्सटीरियर रेडियस ही है ना, ये डायमीटर लिया है वो लोगों ने। आर इज करेक्ट, हमारा आंसर सही है क्योंकि दे हैव टेकन द एक्सटीरियर रेडियस एज 25, दे हैव गिवन दैट एक्सटीरियर रेडियस एज 25, हमने रेडियस ही लिया है, बट दे हैव टेकन इन देयर आंसर एज एक्सटीरियर, इसलिए 12.5 और 11.5 लिया है वो लोगों ने। बट आर आंसर इज एग्जैक्टली डबल ऑफ दिस, नो ना, लिटिल डिफरेंट। ठीक है, देयर आंसर इज डिफरेंट बिकॉज देयर वॉट एवर दे हैव कंसिडर्ड इज रॉन्ग, बट हमारा सही है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। काफी मिस्टेक्स है यार ये पार्ट में, जनरली नहीं है इस बुक में मिस्टेक्स। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 1.4 मीटर, डायमीटर दिया है यहां पे, बी केयरफुल, एंड इट इज 3 मीटर्स लॉन्ग, हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 4 रिवोल्यूशंस। पहले तो रोलर, यू आर राइट, पहले तो रोलर को विजुअलाइज करना जरूरी है। इट इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस इज द एक्सिस अबाउट विच इट रोल्स लाइक दिस, एंड जब वो रोल होता है ना तो एक रिवोल्यूशन में एरिया कवर्ड बाय रोलर इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करता है? हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया जितना एरिया कवर करता है एक रिवोल्यूशन में। इसका डायमीटर दिया है विच इज 1.4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1.4 by 2 या फिर 0.7 meters, एंड इट इज 3 meters लॉन्ग, मतलब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 3 meters। सो वी नो आर, वी नो एच, वी कैन फाइंड सी एस ए, एंड देन वी कैन मल्टीप्लाइड बाय 4 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द एरिया कवर्ड इन 4 revolution, एंड यू हैव टू टेक 22/7 एस पाई। ओके, सो फाइंड सी एस ए टाइम्स 4 एंड गेट द आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर? अच्छा, ओके, मीटर स्क्वेयर, तो वही तो बोला मैंने, मैं क्या हिब्रू में बोल रहा हूँ क्या? मीटर स्क्वेयर, तूने तेरे एक आंसर में यूनिट नहीं लिखा है, तू चेक कर, मेरे को पूछ रही है तू, तू चेक कर ना तेरा होमवर्क, सब में यूनिट लिखा है कि नहीं लिखा है, मेरे को जो दिखा मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे को काम दे रही है, मेरा काम है, तू चेक कर, मुझे जो दिखा मैं बोल रहा हूं तेरे को। फर्स्ट या सेकंड, सेकंड या थर्ड ही है ना, है ना, है ना, ये क्राइम है, क्राइम, और उससे भी बड़ा क्राइम है फिर सर को ही पूछना कौन सा वाला, मेरी गलती क्या है? मुझे गुस्सा उन स्टूडेंट्स पे आता है जो मुझे पूछते मेरी गलती क्या है, तुमको पता होना चाहिए तुम्हारी गलती क्या है, इसको बोलते हैं अवेयरनेस, कि तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है। उससे भी बड़ी अवेयरनेस क्या है पता है? तुम गलती करने से पहले ही रुक जाते हो, एंड दैट्स वेयर यू बिकम अ गुड स्टूडेंट। अगर तुम्हें गलती करने के बाद भी नहीं समझ में आता है तुम्हारी गलती क्या है, मतलब क्या है, तुमने होमवर्क कैसे किया फिर, नींद में या टीवी देखते देखते या गाना सुनते सुनते? बेटा तुमने ही किया ना इतने सारे क्वेश्चन, पड़ोसी ने तो नहीं किया ना। सर, इज द आंसर 52.8 meters square? यस इट इज, वेल डन, गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, प्रिपेयरिंग, ओके,
of height 2.8 meter and base diameter 4 meter at the rate of rupees 100 per square meter. What do you mean by preparing a closed cylindrical tank? Total surface area? No, I'm not asking that. I'm asking that what do you mean by preparing a closed cylindrical? We have to make it. We have to manufacture it. And is it hollow or solid? It's hollow. Because it's hollow. A tank. Tank means tank is a thing which is used to store something. Maybe water or something like that. So it is hollow. But does it have thickness? It might. But it is negligible in this case. Thickness leni nahi apne ko. ठीक है अगर थिकनेस नहीं लेनी है तो हमें क्या ढूंढना है उसका कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक टीएसए टोटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जब मिल जाएगा ना इनटू 100 कर देना तो कॉस्ट आ जाएगी टीएसए ढूंढो और इनटू 100 करो तो कॉस्ट आ जाएगी Yep. You got the answer? It can be, no problem. ठीक है, बताओ तो सही, फिर पता चले कि अवेयरनेस है कि नहीं. अभी भी तूने नहीं किया, उसने किया होगा कैलकुलेशन. तूने किया ना तेरा कैलकुलेशन, तो खुद अपनी मिस्टेक पता लगाओ. अप टू 2 डेसिमल प्लेस. देख तू करेक्ट भी हो सकती है, हमको अभी पता नहीं है. सॉरी, दिस इज एरिया. ओके, आई वांट द कॉस्ट. ठीक है, देखते हैं किसका करेक्ट है. पाई क्या लिया है तूने? ऑलराइट, एनीवन एल्स? Anyone else getting the answer online also can tell them. Sorry? 0.42. 0.4. What you're saying? I can't get you. 6.42. 6.42. Sir? नहीं यार. चलो, let's check the answer. 60.34 and 6034. Very good.
अभी भी नहीं मिल रही है मिस्टेक। ये जो 6.4 बोला, 6.4 किसने बोला? कैसे हुआ, क्या मिस्टेक हुआ तुम्हारा? सर मैंने 2 लिखा ही नहीं था आई गेस। सर मैंने मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ की। चलो ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी की कोई मिस्टेक हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट द मिस्टेक्स, इट इज दैट यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और उसको रिपीट नहीं करना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है, वहां पे जगह छोड़ दो, घर पे जाके उसको वापस रिकरेक्ट करके लिख लेना उसको ये क्लास होने के बाद, जिसकी भी मिस्टेक जहां भी हो रही है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गो अहेड। ओके लुक हियर नाउ, क्लोज्ड से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर 140 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 98 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ द रोलर इज 140 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज गिवन विच इज 98 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बिकम 49 सेंटीमीटर, ठीक है? इफ इट टेक्स 400 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू लेवल अ प्ले ग्राउंड, सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस दिया है कितने हैं 400, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट, मतलब द ग्राउंड, एट ₹1 पर स्क्वायर मीटर, तो रेट रेट कितना है ₹1 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? हमें ढूंढनी है कॉस्ट, तो बेसिकली एग्जैक्टली एंड क्वांटिटी इज द टोटल एरिया एंड टोटल एरिया इज CSA टाइम्स 400, राइट? सो टोटल एरिया टू बी leveled is equal to curved surface area, that is area covered in one revolution, times the number of revolution, that is 400, CSA is 2πRh, you have to put the values, times 400, get the area in centimeter square. Oh, but the rate is given for per meter square, so you have to convert this area from centimeter square to meter square, and I'll be really curious to know how do you guys do that. क्या तुम्हें याद है कैसे करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर? वेरी नाइस, नहीं याद है तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं थोड़ा सा इंसल्ट करके बताऊंगा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना रोएगा। I'm just kidding, okay? This is all on record. I should not speak like this. But I will. Let's see who gets the correct answer in centimeter square. Sirf centimeter square wala answer batana jisko milta hai. So that I can check. ये क्या टीम वर्क चल रहा है क्या तुम लोगों का? मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा था। ओके कीप इट एट दैट एंड गो अहेड इफ यू वांट। व्हाट इज दैट? अच्छा यस, online somebody wants to say something? Yes sir. What is the area to be leveled in centimeter square? Tell me that. 1724800. That is in centimeter square? Yes sir. Okay, somebody is not agreeing with you here. It's the cost. Achha.
एंड इट इट कैन बी द कॉस्ट बिकॉज वन वन से ही मल्टीप्लाई करना है अपने को. आई एम आस्किंग एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वेयर. सो दे आर सेइंग 1728000 एंड आई थिंक प्रीथा ऑल्सो गॉट द सेम 1 6 8. अच्छा 1724.8. सर 1728 1724800 सेंटीमीटर स्क्वेयर 000. अच्छा तो बहुत लोगों को ये आंसर मिल रहा है 1724800 सेंटीमीटर स्क्वेयर. सेंटीमीटर स्क्वेयर को जब मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करना होता है तो वी डिवाइडेड बाय 10,000, राइट? बिकॉज सो डिवाइड बाय 10,000 इज 1724.8 मीटर स्क्वेयर विल बी द एरिया एंड ऑल्सो द कॉस्ट 1728.24.8 rupees. Can anyone confirm? Yeah, so all have confirmed on the same. Kisi aur ko kuch aur aa raha answer, I think. You gave some other answer. Okay, cool. We are done with this part. Haan. You can. You want to do it right now? क्योंकि सेकेंड पार्ट तो मैं आज नहीं करूंगा क्योंकि वो बड़ा है काफी. काफी नहीं, थोड़ा बहुत तो है. सो यू वॉन्ट टू डू इट राइट नाउ. ठीक है. सो आई विल एंड द मीटिंग एंड द रिकॉर्डिंग एज वेल फर्स्ट.